Assalamualaikum students, how are you? Now I am going to start English work. First of all, we will see today's planner. Planner number 34. First of all, we will write date and month. Reading book page number 17 complete. कल हमने half किया था page number 17. Plus workbook page 42. आज जो class work में हमने काम करना है वो workbook page number 42 पर करना है. I opened workbook page number 42. First of all, we will write date and day. Date है 5/6/20. Day है Friday. आप लिखेंगे FRI. Now today is our topic use of my and your. ये कल हमने reading book में मैंने आपको इसका बताया था. हमने half book book में sorry. जो हाफ पेज हमने रीडिंग का कल किया है वो माय एंड योर का ही किया है. माय इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट माय सेल्फ एंड योर इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक टू अनदर पर्सन. माय हमने जब अपने बारे में कुछ बताना होता है तो तब हम यूज़ करते हैं माय. लेकिन अगर हमने अनदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करनी होती है, उसके बारे में कुछ बताना हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं योर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पिक्चर की तरफ देखें. इस बॉय के हाथ में क्या है? बुक. और इस बॉय के हाथ में क्या है? बॉल. अब ये बॉय क्या कह रहा है? माई बुक इज़ स्मॉल, मेरी बुक छोटी है. और इस बॉय से कह रहा है योर बॉल इज़ बिग, तुम्हारा बॉल बड़ा है. अब सेकेंड पिक्चर में देखें, ये डॉग है और ये भी बॉय है, ये भी एक बॉय है. अब ये बॉय कह रहा है दिस इज़ माय डॉग, और ये बॉय ही इस बॉय से कह रहा है डैट इज़ योर डॉग. इसके पास भी काइट है, इसके पास भी काइट है. ये बॉय माय काइट इज़ स्मॉल, ये कह रहा है मेरी काइट छोटी है. योर काइट इज़ बिग, तुम्हारी काइट बड़ी है. ये बॉय इस बॉय से कह रहा है योर काइट इज़ बिग. अब जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, तो अगर मैंने मेरे पास पेंसिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक है ये, तो ये मेरी बुक है, तो मैं यही कहूँगी ना दिस इज़ माय बुक, दिस इज़ माय बुक. लेकिन अगर ये बुक किसी और के पास है तो फिर मैं क्या बोलूँगी? दैट इज़ योर बुक. जो चीज़ हमारे पास होती है, जब हमने उसका उसके बारे में बताना होता है, तो हम जो बात हमने अपने लिए करनी होती है तो उसको हम अपने लिए क्या यूज़ करते हैं? माय. लेकिन हमने जब किसी अनदर पर्सन के लिए बात करनी होती है फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं योर. ओके, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट आए अपनी रिवीजन डिक्टेशन वर्ड्स पे. लिस्ट नंबर 6 आज फिर रिवाइज हो रही है. ये पिक्चर में क्या बना हुआ है? चिक. तो आपने ये चिक इधर लिखना है, CHICK, चिक. चाइक, चिक. आपने इसी तरह नीट राइटिंग में लिखना है और इसको स्पेलिंग के साथ याद भी करना है. ये आपकी डिक्टेशन है. ये कौन सी पिक्चर है? टॉर्च. टॉर्च, टॉर्च, TORCH, टॉर्च. नेक्स्ट वर्ड इसका पूछ रहे हैं, जहाँ पे रेड सर्कल बना हुआ है. चिन. चाइन, चिन, CHIN, चिन, चाइन, चिन. ये क्या है प्लेट में? लंच. LUNCH, लंच, लंच, लंच. ये आपने विद स्पेलिंग याद करने हैं डिक्टेशन वर्ड्स. ओके, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. तो रीडिंग में जो पेज नंबर 17 हमने कल किया था, हाफ किया था, आज हमने ये कंप्लीट करना है. तो हम कल का जो हमने किया था हम उसको भी रिवाइज़ करेंगे. वो भी किसके टॉपिक में? क्या यूज़ ऑफ माय एंड योर. जो आज हमने क्लास वर्क में वर्कबुक के टॉपिक किए वही टॉपिक आज रीडिंग में भी है. दिस इज़ माय बैग, डैट इज़ योर क्लॉक. This is my dog, that is your cat. My book is small, your ball is big. My doll is small, your bell is big.
ओके आपने अब रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न वर्क जो आपने रिटर्न वर्क में आपने जो माय एंड योर लिखना है वो आपने बहुत नीट राइटिंग में लिखना है। एम आपने कैपिटल लिखना है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो आपने एम कैपिटल लिखना है, लेकिन एम के साथ आपने वाई को ज्वाइन नहीं करना। ओके आपको पता है कैपिटल लेटर के साथ हम स्मॉल लेटर को ज्वाइन नहीं करते। और अगर योर आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है तो आपने वाई को कैपिटल करना है और इसके साथ ओ को ज्वाइन नहीं करना। अब ये देखें नीचे योर सेंटेंस के मिड में लिखा है तो ये हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, ये ज्वाइन करके लिखना है। इधर माय भी हमने सेंटेंस के मिड में आया है तो हमने एम वाई माय को ज्वाइन करके लिखा है। अब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नीट राइटिंग में काम करना है, रेजर ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।